गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हाय 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 हाय। घटना हमारे विश्वविद्यालय क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर होती है, जब एक कोविड पॉजिटिव स्टूडेंट्स को एग्जाम देने के लिए बुलाया जाता है। सबसे पहले मैं विद्यार्थी परिषद की ओर से उस स्टूडेंट्स को हैट्स ऑफ करना चाहूंगा कि वो अपनी हेल्थ को रिस्क में डालते हुए भी उसने एग्जाम दिया है। और जब उस बच्ची के, उस बहन के माता पिता जब कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से संपर्क साधने का काम करते हैं, जिस प्रकार का बिहेवियर, जिस प्रकार का रिस्पांस कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन उनको देता है, वो एक कंडेमेबल चीज है। विद्यार्थी परिषद उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और विद्यार्थी परिषद यहाँ मांग करती है कि इस घटना के अंदर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सामने दिख रहे कि उनके द्वारा इस प्रकार की चीज की गई है, इसलिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो जितने भी स्टूडेंट्स जो इस समय एग्जाम क्लस्टर विश्वविद्यालय ऑफलाइन मोड पर ले रहा है, उन सभी एग्जाम को पोस्टपोन करना चाहिए। मांग करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट कोविड पॉजिटिव है, उन स्टूडेंट्स के एग्जाम जब वो उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आएंगी, इसमें यूनिवर्सिटी को दोबारा से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इसमें कोई गलत बात तो है नहीं, स्टूडेंट्स फीस दे रहा है, जब वो एग्जाम देता है तो वो उसके लिए फीस देता है, तो उसमें यूनिवर्सिटी को दोबारा एक्सरसाइज करने में क्या दिक्कत है? ऐसे अनेक स्टूडेंट्स दर्जनों के हिसाब से, ऐसे संगठनों के हिसाब से विद्यार्थी होंगे जो जिनके एग्जाम आप बाद में ले सकते हो, 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आप एग्जाम ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए विश्वविद्यालय के को चाहिए, यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस पर सोचना चाहिए और इस प्रकार की घटना आने वाले समय के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इस कोविड को कभी भी हल्के में नहीं ले सकता। जहां हमारी सरकार, भारत सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार हमसे ही हमारे यहां पर वीकेंड लॉकडाउन लगा रही है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करने की बात कर रही है, तो यूनिवर्सिटी के अंदर आप इस प्रकार की चीजें कैसे कर सकते हो? इसलिए इस पूरे घटना के अंदर कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन सामने सामने इन्वॉल्व दिख रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।